प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज अपन देखेंगे वो दुर्ग जिसके प्रमुख प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थान के दुर्गों में जल दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताओ। वो कौन सा दुर्ग है जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, और उस संगम का नाम क्या है, या शामिल जी नामक संगम स्थल कहाँ है और किन नदियों का वो संगम स्थल है। ओके, संत पीपा का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है, ठीक है। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था। ओके, मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है, या मीठे शाह के नाम से निम्न में से कौन से सूफी संत जाने जाते हैं। समझ गए। अचलदास खिचड़ी वचनी का, ठीक है, अचलदास खिचड़ी का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है। अचलदास खिचड़ी वचनी का नामक ग्रंथ किसने लिखा, ठीक है। झालावाड़ में स्थित कौन सा दुर्ग है, ये उसमें कितने शाखे हुए, ये बुलंद दरवाजा जो झालावाड़ के किसी दुर्ग में स्थित है वो किसने बनवाया। समझ गए, कितने शाखे हुए, ये है। और एक और अच्छा क्वेश्चन, कास्ट का रैन बसेरा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित था। समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही पहचाना है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर है कौन सा दुर्ग, वेरी गुड, झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग। तो आज अपना टॉपिक है गागरोन दुर्ग, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया मेन क्वेश्चन तो ये है, फिर एक बार टॉपिक देख लो, फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। फिर अभी तो जैसे कि थोड़ा सा समय लग रहा था जवाब देने में आपको, फिर कैसे गोलीगट जवाब आएगा आप खुद ही देखना। तो आज अपना टॉपिक मेरे प्यार बच्चों झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग। पहले यहां से यहां तक किया, ये क्या है, ये कुछ मैंने माइक्रो आपके लिए सजा के रखे हुए हैं, तो एक बार इस माइक्रो का आनंद ले लो, फिर टॉपिक थोड़ा सा खुल जाएगा दिमाग में। यहाँ जो जो व्यक्ति हैं इससे संबंधित थोड़े व्यक्ति ज्यादा हैं, तो उन व्यक्तियों को एक साथ ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे देखेंगे अपन बीजल डोड, है ना, बीजल डोड। तो यूं याद रख लो, बीज है ना, बीज सीड किसका, डोडे का। तो बीजल डोड है ना, डोड बीजल डोड, यहाँ आएंगे नीचे पर पड़ेगा, देखो ये डोड पर मार्स आ सकते, ये बीजल डोड, ठीक है। तो बीजल डोड इसका संस्थापक था। फिर देवन या धारू खिची ने, देवन खिची बोल दो चाहे धारू खिची बोल दो, बात चीज एक ही है, उसने जीता था। तो खिची वंश का तो संस्थापक कौन था, मतलब इस दुर्ग में खिची वंश की स्थापना किसने करी, अपने देवन या धारू ने। और दुर्ग की स्थापना किसने करी थी, डोड परमार शासक बीजल डोड ने, ठीक है। तो बीजल डोड को हरा के दुर्ग किस खिची शासक ने जीता, वेरी गुड, देवन खिची या धारू खिची, ये पहला माइक्रो है। तो क्या, बीजल डोड, बीज किसका, डोडे का, और देवल धारू खींची, ठीक है ना, देवन धारू खींची, ठीक है, देवन धारू खींची, ऐसे याद करो, बीजल डोड दे धारू खींची, ठीक है ना। तो देवन धारू खींची, ये हो गया। फिर ये भी पूछते हैं खींची वंश का, है ना, ये पूछते हैं गागरोन दुर्ग पे निम्न में से किस वंश का शासक था, तो कौन से, खींची शासक, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चार शासक हुए हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले अपन देखते हैं जेत्र सिंह, भाई देवन सिंह भी था शासक, लेकिन अब माइक्रो ग्रुप बन रहे हैं कि उससे आगे क्या है। सबसे पहले जेत्र सिंह, तो जेत्र सिंह के समय क्या, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, लेकिन वो आक्रमण क्या हो गया, असफल हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी वापस चला गया। लेकिन इनके समय ही में ही खुरासान जो अफगानिस्तान में जगह स्थित है वहां से गागरोन आके एक सूफी संत बसे, उन सूफी संत का नाम था हामिदुद्दीन चिश्ती, जिनको प्यार से अपन बुलाते हैं क्या, मीठे शाह, ठीक है ना, मीठे वचन बोलते थे, हैं, ऐसी वाणी बोलिए, भूल गए आगे, हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को मन शीतल करे आपुन शीतल होए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतने प्रेम से पेश आते थे लोगों से कि दुनिया उनको आज किस नाम से जानती, मीठे शाह, ठीक है। तो जेत्र सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी तो वापस चला गया, लेकिन परमानेंटली सेट कौन हो गए, हामिदुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना। तो ईएलडीस का अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण सफल हो गया, लेकिन खुरासान से मीठे शाह आके बस गए। ओके, ये फिर अपन देखते हैं यहाँ पे आएंगे प्रताप सिंह खिची, ठीक है, प्रताप सिंह खिची, उनके समय दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया शासक के रूप में, है ना। फिरोज शाह तुगलक का जो अपन 1330 में जैसलमेर स्वर्णगिरी में जो आक्रमण देखते हैं वो तो सेनापति के रूप में था, लेकिन जो अपन यह आक्रमण देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का, वो सुल्तान के रूप में था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में।
ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, तो प्रताप सिंह खींची, मतलब शासक का प्रताप सिंह खींची का शुरू से ही जो मन था वो पूजा पाठ में जाता था, भक्ति में जाता था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार ये मार काट के अंदर क्या रखा है, तुम मरो चाहे मैं मरू, बात तो एक ही है कि नहीं। तो इनके ये समझ में आ गई, किसके, फिरोज शाह तुगलक के नहीं, प्रताप सिंह खींची के। तो प्रताप सिंह खींची ने देखा कि इस राजपाट में कुछ भी नहीं है, जब तक मैं राजा बना रहूंगा तब तक ये ऐसी लड़ाइयां होती रहेंगी। तो इन्होंने सिंहासन त्याग दिया अपने छोटे भाई के पक्ष में, ठीक है, और खुद क्या बन गए, संत बन गए, और खुद का नाम क्या पड़ गया फिर, संत क्या, संत पीपा, और रामा किसके, रामानंद के शिष्य बन गए, रामानुज के नहीं, रामानंद के। तो रामानंदी थे ये संत पीपा, आगे पढ़ेंगे अपन। और रामानंद कौन, वही भक्ति दरवेश रूप जी राय लाए रामानंद, रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद ही उत्तर भारत के अंदर भक्ति को पॉपुलर किया था गंगा के मैदानों में, उनके शिष्य बन गए रामानंदी, मतलब पीपा रामानंदी कहलाए, है ना, द्वादश भागवत ऐसे, ठीक है। ये था तो प्रताप सिंह, है ना, और सिंहासन किसके पक्ष में डाल दिया, अचल दास खींची के पक्ष में, ठीक है। और फिर अचल दास खींची का देखते हैं अपन कि सबसे पहले जो शाखा होएगा 1423 में वो अचल दास खींची के समय होएगा। तो संत पीपा ने बिल्कुल, मतलब प्रताप सिंह किसी ने राजपाट जो सोच के त्यागा था कि यार जब तो शासक बना रहूंगा ऐसे ही झेलने पड़ेंगे युद्ध, बिल्कुल सही था। देखो छोटे भाई ने भी फिर झेला नहीं झेला, और पहला शाखा हुआ फिर ग्राउंड में, टोटल दो शाखे हुए, ठीक है। तो प्रताप सिंह किसी FST मतलब फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ, और प्रताप सिंह किसी किसमें कन्वर्ट हो गए, संत में, और पीपा के नाम से पॉपुलर हुए संत पीपा। और सिंहासन किसके फेवर में त्याग दिया, अपने छोटे भाई अचल दास खींची के पक्ष में। अचल दास खींची के शासन के दौरान ही 1423 में मालवा का शासक था हुसंग शाह, उसने आक्रमण किया और गागरुन के दुर्ग में पहला शाखा हुआ, टोटल दो में, दूसरा 1444 में देंगे फिर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अगले शासक पालनसी का अचल दास खींची के ही पुत्र थे, इनके समय मांडू के शासक, ये भी मांडू के शासक थे, मांडू मतलब मालवा, महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है ना, महमूद खिलजी प्रथम का 1444 में आक्रमण हुआ। महमूद खिलजी प्रथम वही है जिन्हों को कुंभा ने हराया था सारंगपुर के युद्ध में 1437 में, और चित्तौड़गढ़ में बनाया था विजय स्तंभ, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को ध्यान में रखना है 1444 के अंदर, 1444 में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ, सेकंड शाखा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ क्या, गागरौन के अंदर सेकंड शाखा हुआ, टोटल ये दो शाखे हैं गागरौन में, ओके। फिर अगले शासक जहां अपन यहां पर जो देखते हैं वह पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है ना। ये जो प्रताप सिंह देखे ये तो यही के थे खींची, ठीक है, प्रताप सिंह खींची, और ये पृथ्वीराज जो थे ये थे राठौड़। तो ये राठौड़ कहाँ के थे अपन देखिए, मारवाड़ में मिलते हैं, तो ये बीकानेर के थे, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के शासक थे, मतलब बीकानेर के शासक जो थे कौन, राय सिंह बीकानेरी, तो राय सिंह बीकानेरी राठौड़ उनके ये भाई थे, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। तो राय सिंह बीकानेरी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार 1570 में, फिर इनके भाई ये भी अकबर की अधीनता में आ गए थे, तो अकबर ने इनको गागरौन की जागीर दी और वहां का शासक बना दिया, ठीक है, कौन, पृथ्वीराज राठौड़। और पहले वाले जो है वो प्रताप है, प्रताप सिंह खींची, महाराणा प्रताप, प्रताप सिंह खींची, और पृथ्वी है पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, अकबर के समकालीन, और अकबर ने ही इनको गागरौन की जागीर दी और वहीं के ही शासक बनाए गए अकबर के द्वारा ही। और वी के आर क्या है, ये वेली कृष्ण रुक्मणी, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है, किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो अपन ने देखा कि पृथ्वीराज राठौड़ का तो कंपेरेटिवली रुझान था, मतलब साहित्य ज्ञान की तरफ, तभी तो वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा। और इनसे थोड़े जो पहले शासक थे जिनका भी नाम पैसे ही है, वो प्रताप सिंह खींची है, वो बन गए थे पीपा, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो ये कुछ ये माइक्रो था, बाकी तो अपन डिटेल में अभी और देखेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा गागरौन दुर्ग, ठीक है ना, गागरौन, ठीक है ना, गागरौन, तो अपन जल दुर्ग का एग्जांपल है, ठीक है, जल, तो जल अपन क्या करते हैं, जल पीते हैं ना, तो पीते से पी से हो जाएगा पीपा, और पानी पिया तो पानी मीठा था, तो मीठे से क्या हो जाएगा, मीठे सा, तो जल पीपा मीठे सा, ऐसे याद होगा। फिर जैत्र सिंह अलाउद्दीन खिलजी, प्रताप सिंह खींची, फिरोज शाह तुगलक, और फिर आगे देखेंगे अपन पालनसी, वो कौन, अपने महमूद खिलजी प्रथम 1444, और फिर अपन देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, वेली कृष्ण अकबर और वेली कृष्ण रुक्मणी, समझ गए, ऐसे ये माइक्रो हैं। अब अपन कुछ कुछ अब इन माइक्रो का अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, माइक्रो से क्या होता है, थोड़ा टॉपिक खुल जाता है, इजी हो जाता है। फिर अपन देखते हैं, अब सबसे पहले अपन नाम देखते हैं, अन्य नाम गागरौन दुर्ग के, अन्य नाम डोडगढ़, क्योंकि डोड परमारो द्वारा बसाया गया या स्थापित किया गया, और उसको दुलारगढ़ भी बोलते थे, डोड या दुलारगढ़, जैसे
डह को ढहनी कर दिया, देवन खींच को धारू खींची, ऐसे डोड़गढ़ को क्या कर दिया, धूलगढ़। निर्माता कौन थे, क्योंकि इसके नाम निर्माता कौन थे, डोड़ परमार, इसलिए इसको अपन डोड़गढ़ बोलते हैं, डोड़ परमार द्वारा बसाया गया, ठीक है डोड़गढ़। फिर अपन क्या देते, किस प्रकार का दुर्ग है ये, औदक दुर्ग है, जलधर कोई नहीं पूछेगा, है ना, जलदुर्ग कोई नहीं पूछेगा, ये पूछते हैं औदक दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अपने गागरौन दुर्ग, ठीक है। जैसे ध्यानवन का अपन ने क्या देखा, स्वर्णगिरी जैसलमेर, ठीक है। तो पहले तो औदक का मतलब पता होना चाहिए, तो ये कैसे देखें अपन, अवध से अवैध पर्वत, ऐसे औदक वैसे वन और जैसे ध्यानवन मरुस्थल, औदक जल, जल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, देखो कौन, गागरौन दुर्ग, एक एक का अच्छा अच्छा एग्जाम्पल ध्यान रखो अपने, बाकी तीन नंबर शीट में देखेंगे। औदक दुर्ग जल दुर्ग तीनों और नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो नदियां कौन सी, नदियां दो है, काली सिंध और आहू, ठीक है। नदियों के नाम आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, और संगम का नाम है सामेल जी, ठीक है। मिलन हो रहा है, मेल हो रहा है, सामेल, मिलन हो रहा है, मेल हो रहा है, सामेल, सामेल में मेल हो रहा है किसका, काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों का, ठीक है ना, आहू और काली सिंध, एक ही याद रख लो, आहू एक ही 47 नहीं है, एक आहू और काली सिंध का मेल हो रहा है, कहां, सामेल में, और सामेल कहां, आपने गागरौन झालावाड़ में, ठीक है। और गिरी जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी पे भी स्थित है, छोटे पर पहाड़ी देखते हैं, वो मुकुंद्रा की पहाड़ियां हैं। और फिर नींव, बिना नींव के, ये तो पहाड़ी पे जब बना रहे हैं तो नींव खोदना वैसे ही पॉसिबल है, और पहाड़ी वैसे आपके लिए नींव का काम कर रही है, तो क्या जरूरत है नींव, इसलिए। फिर अपन देखते हैं निर्माता कौन थे, निर्माता थे बीजल देव, जो कि डोड़ परमार राजपूत थे, ठीक है ना, बीजल देव, ठीक। अब परमार जैसे अपन ने कल भी देखा था, जब जालौर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि भाई गुजर प्रत्यारोह के बाद वहां परमारों का शासन हुआ, तो वो परमार आबू के परमार थे, और ये परमार अलग है ना, तो मिक्स नहीं करना अपने को, मालवा के परमार अलग है, ठीक है। तो ये अपन हाड़ौती के अंदर परमार देखते हैं, कौन, बीजल डोड़ परमार। नाम कैसे पड़ा, नामांकन 12वीं शताब्दी के अंदर बीजल देव, जो कि डोड़ शासक थे, बीजल देव है ना, बीजल देव डोड़ शासक थे, तो उनके नाम के पीछे तो डोड़गढ़ या दुलरगढ़ पड़ गया, ठीक है, से जीत लिया, है ना, मतलब बीजल देव डोड़ शासक से किसने जीत लिया, देवन सिंह धारू या देवन सिंह खींची या धारू खींची ने, मतलब बीजल देव डोड़ परमार जो शासक थे उनको हरा के इस दुर्ग पे अधिकार कर लिया देवन सिंह खींची ने या धारू खींची ने, ठीक है ना। और दुर्ग का नाम क्या कर दिया, गागरौन कर दिया, और गागरौन से पहले क्या नाम था इस दुर्ग का, डोड़गढ़ या धूलगढ़, नाम किसके पीछे, डोड़ परमार के पीछे, और डोड़ परमारों में सबसे प्रमुख शासक निर्माण किया इसने बीजल डोड़, और बीजल डोड़ को हरा के किस खींची वंश के शासक, खींची वंश किस शासक ने इसको जीता और खींची वंश की स्थापना करी, देवन सिंह खींची या धारू खींची, देवन या धारू नाम एक ही है, समझ गए, यहां तक आ गए अपन। फिर अपन देखते हैं इसमें जो परकोटा है वो तिहरा परकोटा है, तिहरे का मतलब क्या होता है, तीन वाल बनी हुई है जी, वैसे और तो क्या है, एक परकोटा, दूसरा परकोटा और तीसरा परकोटा, तो तीन परकोटा है, और उन तीन परकोटों का निर्माता कौन है, जालिम सिंह, ठीक है ना, इसलिए इसको जालिम कोट भी बोलते हैं, कोट का मतलब परकोटा, ठीक है। ये जालिम सिंह वो, ये झाला जालिम सिंह, ठीक है ना, मतलब हाड़ौती का सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति, जैसे मारवाड़ में हुआ दुर्गादास राठौड़, ऐसे हाड़ौती में हुए जालिम सिंह, और उन्होंने अपने वंशजों के लिए ही झालावाड़ की स्थापना करवाई अंग्रेजों से, कोटा मतलब बूंदी से निकला कोटा, कोटा से निकला झालावाड़, जैसे अपन ज्योग्राफी में इनकी लोकेशन देखते हैं ना, उत्तर में सबसे पहले बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़, ऐसे ही हिस्ट्री में निकले हुए हैं, बूंदी से अलग हुआ कोटा, कोटा से अलग हुआ झालावाड़, तो झालावाड़ के स्वतंत्र संस्थापक ये जालिम सिंह थे, ठीक है। तो इन्होंने ये इसको तिहरा परकोटा बनाया, खींची राजा जो प्रमुख है जेत सिंह, जिसमें अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी तो हार के वापस लौट गए, लेकिन मीठे शाह जो थे वो खुरासान से आके यहाँ पे बस जाएंगे गागरौन में। प्रताप सिंह खींची, आक्रमण होएगा इनके समय किसके, फिरोज शाह तुगलक का, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे संत में और कहलाएंगे संत पीपा के नाम से। फिर इन्होंने सिंहासन त्यागा अपने छोटे भाई के पक्ष में अचलदास खींची के, उनके समय आक्रमण होएगा मांडू मालवा के शासक कौन, हुसैन शाह 1423 में। अब अपन सबसे पहले देखते हैं जेत सिंह के बारे में, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट शासक हुए, जेत सिंह, प्रताप सिंह, अचलदास किसी, और ऊपर ने एक पृथ्वीराज राठौड़ भी देखा, तो वो अभी नीचे आ जाएंगे। जेत सिंह के समय आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1303 में, ठीक है ना, मतलब आक्रमण, एक आक्रमण के साथ साथ यहाँ और भी जोड़ लेना कि आके बसे, बसावट,
बसे कौन? बसावट, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1303 में, ठीक है। अब 1303 में देखो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पे भी आक्रमण पड़ते हैं, है ना। तो इधर से होके वो चित्तौड़गढ़ गए थे, ऐसे है, ठीक है। तो ये असफल हुआ क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी फोकस थे किसपे? चित्तौड़ पे। ये तो बस ठीक था, मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो आगे चलो। ये तो अलाउद्दीन तो असफल हुए, लेकिन यहाँ बसने में सफल कौन हो गए? वेरी गुड, हमीदुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनको मीठे शाह के नाम से बहुत जानते हैं दुनिया, ठीक है। और ये खुरासान से आके गागरौन बस गए थे, और खुरासान कहाँ? अपने अफगानिस्तान, ठीक है। हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है ये, ठीक है। हमीदुद्दीन नागौरी कहाँ थे? अपने नागौर के अंदर। और अपन जो देखते हैं अजमेर के अंदर, जो ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, वो संजरी ईरान से आके बसे थे, ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी के साथ आए थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको अपन बोलते हैं, अपने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर, ठीक है ना, वो मोहम्मद गोरी के साथ आके बसे थे, ठीक है। और ये किनके साथ आए? हमीदुद्दीन चिश्ती। ये किसी के साथ नहीं आए, बस इतना है कि खुरासान से आके ये गागरौन दुर के अंदर बस गए। समझ गए इतनी चीज? ये हमीदुद्दीन चिश्ती जो है ना, अपने हमीदुद्दीन चिश्ती, तो हमीदुद्दीन चिश्ती नाम आए तो उनका संबंध है गागरौन से, हमीदुद्दीन नागौरी नाम आए तो उनका संबंध है अपने नागौर से, है ना। ऐसे ध्यान रखो, हमीदुद्दीन नागौरी जो है ना, उनको हमीदुद्दीन चिश्ती नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है। लेकिन वो भी चिश्ती संप्रदाय से, ये भी चिश्ती संप्रदाय से। तो अगर पूछे हमीदुद्दीन चिश्ती गागरौन, हमीदुद्दीन नागौरी नागौर, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अपने अजमेर। चिश्ती संप्रदाय था, सिलसिला था, एक सूफी सूफी संप्रदाय, सूफी धर्म के अंदर, इस्लामी कल्चर में ऐसे, ठीक है। और खुरासान कहाँ है? अफगानिस्तान है। जैसे अपन मुगल बादशाह देखते हैं अपने, खासतौर पर शाहजहां और औरंगजेब, उनका खुरासान अभियान हुआ था, ठीक है। और औरंगजेब की ताकत ही सबसे पहले पता लगी थी किसमें? खुरासान अभियान में, ऐसे। ओके, तो ये हो गया। जीत सिंह के समय अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो हार के वापस लौट गया, लौटा गया चित्तौड़ की तरफ, आगे बढ़ गया, और हमीदुद्दीन नागौरी यहाँ के बस गए। मीठे शाह, मीठे शाह बहुत पूछते हैं ये तो। देखो गागरौन दुर्ग पानी का, अब तो पानी कैसा था? पानी पिया ना किसने? पीपा ने। और फिर पीपा तो अब आएंगे, और पानी कैसा था? मीठा था, ऐसे याद रखना, मीठे शाह। फिर नेक्स्ट शासक अपन देखते हैं प्रताप सिंह खींची, मूल नाम था, और संत पीपा, ये जब संत सन्यासी बन गए तो नाम है पीपा। तो ऐसा मत करना कि संत पीपा का नाम था प्रताप सिंह खींची, ये गलत है। गलत सही क्या है? प्रताप सिंह खींची का नाम था क्या? संत पीपा, ऐसा है ना। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रताप सिंह खिची ओरिजिनल नाम है, और संत पीपा बाद में जब उन्होंने जीवन में परिवर्तन आया तब उनका वो नाम पड़ा रामानंदी बनने के बाद, इसलिए। ओके, तो संत पीपा या प्रताप सिंह खिची, खास खास बातें क्या है? फिरोज शाह तुगलक का गागरौन पर आक्रमण हुआ, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का तो किसके समय हुआ? वेरी गुड, जैत्र सिंह के समय। फिर प्रताप सिंह खिची, मतलब इस आक्रमण से उनका मन विचलित हो गया संसार से, कुछ नहीं रखा, तुम मरो चाहे मैं मरूं, बात एक ही है। तो प्रताप सिंह खिची संत बन गए, और पीपा नाम से ये रामानंदी रामानुज के शिष्य बन गए, रामानुज के शिष्य बने कौन? रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में पॉपुलर किया। भाई रामानुज तो तमिलनाडु के अंदर थे, और ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आए, ना मतलब नॉर्दर्न इंडिया, रामानंद। और रामानंद के फिर शिष्य थे, जैसे अपन देखते हैं कबीर, धन्ना, सेन, सदना, रैदास, ऐसे पीपा, ठीक है। तो अब रामानंद, रामानंद जी के शिष्य थे अपने पीपा, ऐसे। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, उत्तर भारत में जिन्होंने भक्ति को पॉपुलर किया वो रामानंद थे। भक्ति वाले वीडियो देखो अभी आप एक बार, जिसमें अपने लोक संत वाले बहुत ही बेहतरीन है, RVP याद है आपको सारा वो, ठीक है। तो प्रताप सिंह खींची आ गया, फिर इनके प्रताप सिंह खींची, ये तो संत बन गए पीपा, रामानंदी बन गए, और फिर सिंहासन त्याग दिया इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खींची के हित में। अचलदास खींची फिर शासक बन गए, और खुद क्या बन गए? प्रताप सिंह खींची, संत पीपा। फिर पीपा जो है ये आराध्य देव है किसके? दर्जी समुदाय के, ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? अपने संत पीपा। जैसे अपन देखते हैं जो नाई समुदाय है तो उनकी कौन है? हैं, नाई समुदाय की अपन जैसे कुल देवी जैसे देखते हैं वो कौन है? सरिस्का के जंगल में मैंने बताया था, वेरी गुड, नारायणी माता। तो ऐसे अपन देखते हैं आराध्य देव किनके हैं? ये दर्जी समुदाय के, टेलर समुदाय के। अब इनके अपन पीपा की जैसे चीजें, मतलब स्मारक जैसे देखते हैं क्या? इनकी छत्री या जो समाधि है वो कहां है? गागरौन दुर्ग में।
छतरी बोल दो चाहे समाधि बोल दो, मतलब दाह संस्कार हुआ फिर उस पर जो छतरी बन जाती है वो समाधि कहलाती है। ठीक है, तो छतरी है समाधि, समाधि वाला क्वेश्चन भी आता है, छतरी वाला भी आता है। ये गागरूण में जो इनकी गुफा है जहां इन्होंने कुछ दिन तप किया था वो टोडा रायसिंह टोंक में है। ठीक है ना, टोडा रायसिंह टोंक। फिर जो पीपा का जो मंदिर है वो अपने समदड़ी बाड़मेर के अंदर है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो कहने का मतलब छतरी है समाधि तो गागरूण दुर्ग में ही है, समाधि तो वही है ना भाई, शासनकर तो वही हुआ अपने संत पीपा दुर्ग में जाके वो पहले शासक थे प्रताप सिंह खींची के नाम से। फिर गुफा जो अपन देखते हैं वो टोडा रायसिंह में, तो टेडी गुफा ऐसे याद रख लो, और मंदिर जो है वो समदड़ी बाड़मेर ऐसे है। एक मंदिर मसूरिया के अंदर भी है जोधपुर में, ठीक है ना, लेकिन फेमस फेमस ये है। और आराध्य देवता किस समुदाय के हैं, दर्जी समुदाय के। वैसे तो सभी समुदाय में इक्वल समानता से पूछे जाते हैं लेकिन ज्यादा इफेक्शन दर्जी समुदाय, ऐसे अपन ध्यान में। फिर अपन देखते हैं कि सामरिक महत्व क्या था गागरूण दुर्ग का। सामरिक महत्व ये था कि जैसे अपन जैसे नक्शे पे देखो, एक बार नक्शे पे है ना, हर मैप को नक्शे पे देखना, हर मैप को नक्शे पे देखो, मतलब हर फोर्ट को नक्शे पे देखो रे। थोड़ा सा जब गया हो ये अपन देखते हैं अपने राजस्थान का मकसद। तो इसमें अपन देखते हैं ये अपने झालावाड़ है ना, जो अपन गागरूण दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्लॉकवाइज जैसे देखते हैं, तो इधर तो देखो ये हो गया गुजरात है ना, मतलब इधर तो मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी खुद ही इधर से आया और फिर पहले जितने कोशिश की तीन में नहीं, फिर चित्तौड़ की तरफ बढ़ गया गुजरात। इधर अपन देखते हैं मालवा है कि नहीं, मालवा हुसैन शाह के आक्रमण होंगे, दो शाखे हुए, दोनों ही मालवा के शासक कारण हुए यहाँ पे, और यहाँ अपन ये खुद ये हाड़ौती के शासक देख रहे हो। ठीक है, ऐसे तो ये इसकी लोकेशन थी। तो घिरा हुआ था, सबसे बड़ा शत्रु जो था गागरूण का वो झालावाड़, झालावाड़ का सबसे बड़ा गुरु था दुश्मन था वो मालवा, मालवा मतलब मांडू, जो मालवा का मतलब है ये जो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, ये जैसे धार, झाबुआ, रतलाम, मांडू, ये सब मालवा कहलाते थे, आज भी मालवा का पठार है ये। ऐसे तो झालावाड़ गागरूण दुर्ग के अंदर दो शाखे हुए, दोनों ही यहाँ के शासकों के कारण हुए। ठीक है ना, पहला शासक तो हुसैन शाह था और दूसरा महमूद खिलजी प्रथम था, अभी देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये सामरिक स्थिति थी, मालवा से, गुजरात से, मेवाड़ से और हाड़ौती का सीमावर्ती दुर्ग था ये, इसीलिए मराठाओं ने जीता था इसको। ठीक है ना, मतलब इधर दक्षिणी ओर से राजस्थान से आएंगे, राजस्थान से में घुसना है, एंटर करना है तो हाड़ौती से घुसना है ऐसे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे साके जो हुए। ठीक है, कितने साके हुए, साके जो यहाँ हुए, साके टोटल दो हुए। ठीक है ना, साके टोटल दो हुए, जैसे जैसलमेर सोनगिरी में कितने हुए, सोनारगढ़ में ढाई हुए, यहाँ दो हुए। ठीक है, तो पहला हुआ 1423 में, दूसरा हुआ 1444 के अंदर। एक बार सुन लो फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। तो 1423 में जो पहला साका हुआ उसमें आक्रमणकारी कौन, हुसंग शाह, मांडू का शासक था और इसका सेनापति था अल्प खां गौरी, हुसंग शाह है ना। और यहाँ का राजा कौन था अपने गागरूण का, अचल दास खींची। अचल दास खींची किसका भाई, किसका छोटा भाई, प्रताप सिंह खींची का छोटा भाई। ठीक है ना, ने आक्रमण किया और फिर जोहर हुआ यहाँ पे। ठीक है, जोहर हुआ, जोहर किसके नेतृत्व में हुआ, लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में हुआ। जोहर का मतलब, जोहर मतलब फीमेल्स ने अग्नि स्नान किया। ठीक है, तो लाला मेवाड़ी, तो ये लाला मेवाड़ी कौन थी भाई, सीधी सी बात है फीमेल्स के नेतृत्व में ही होगा, किसी फीमेल के नेतृत्व में ही होगा, तो लाला मेवाड़ी थी मोकल की पुत्री और कुंभा की बहन। देख लो डीएनए में ही था, सॉरी ये तो ऐसे लाला मेवाड़ी, नाम में कंफ्यूज मत हो कि सर मेल नाम हमारा उससे मतलब नहीं है, हमने लाला मेवाड़ी, मोकल की बहन, मोकल के पुत्र थे कुंभा ऐसे। ठीक है ना, तो मोकल की बहन और मोकल की पुत्री और कुंभा की बहन थी लाला मेवाड़ी, जिसके नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ। ठीक है ना, सुशाल था कानून ऐसे। ओके, अचल दास खींची की वाइफ ये लाला मेवाड़ी, ऐसे समझ गए, ऐसे अपन को याद में रखना है ये चीज, यू ऐसे नहीं। अब इसकी अपन को जानकारी कौन देता है, स्रोत क्या है, तो स्रोत है अचल दास खींची दी वचनी का, जो लिखी शिवदास गाटन ने। ठीक है, लिखा हुआ अचल दास, एडी के क्या है ये, अचल दास खींची एडी के। मेरे माइक्रो के साथ दिक्कत हो, ये थोड़ी सी और है कि आप तो जिसने वीडियो देखा वो देखता है वो तो समझ जाता है, एल्स कोई जैसे देखता है यार ये एडी के क्या आ गया है, ये ऊपर एएलडी पड़ा था एएलडी के, ये एफएसटी क्या आ गया ऐसे, तो समझ में आते ही नहीं है। तो ऐसे कोई मांगता है तो मैं फट दे देता हूँ, लो लो, अब फिर वो देखता है यार तो समझ में नहीं आ रहा इसको मैं क्या करूँ,
शुरू से यही मेरे नोट्स के साथ दिक्कत। तो वो मैंने भी खुद के लिए बनाया है, इसलिए है वो खुद के लिए, मतलब मेरे मेरे बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है। तो ईडी के अचल दास खिचड़ी बचने का किसने लिखी, शिवदास गार्डन ने लिखी। फिर दूसरी किताब अपन देखते हैं गज गुण रूपक, गज गुण रूपक ये किसने लिखी, केशव दास गार्डन ने लिखी। दोनों में शिवदास गार्डन एंड केशव दास गार्डन, शिवदास गार्डन की एडी के अचल दास खिचड़ी बचनी का और केशव दास गार्डन गज गुण रूपक। इस इन दोनों ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि 1423 में मांडू के शासक हुसैन शाह ने आक्रमण किया गागरोन पर, और उस समय गागरोन के शासक थे कौन, अचल दास खिची, ठीक है। फिर जोहर हुआ किनके नेतृत्व में, अचल दास खिची की वाइफ लाला मेवाड़ी जो कि मोकल की पुत्री और महाराणा कुंभा की बहन, समझ गए यह था। फिर दूसरा शाखा हुआ 1444 में, 1444 444 दूसरा शाखा 444 में 1444 में आक्रमण करने वाला इस समय जो था वो था वही मालवा वही मांडू था, लेकिन इस समय शासक था वहां का महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। और गागरोन के शासक उस समय थे अचल दास खिची के पुत्र पालन सिंह, समझ गए ऐसे। और फिर जोहर वहां नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे दो शाखे यहां हुए, पहला 1422 दूसरा 1444। पहले में जो आक्रमणकारी था वो कौन था, हुसैन शाह, दूसरे में पहले में हुसैन शाह और दूसरे में महमूद खिलजी प्रथम, दोनों मालवा के ही थे। ये मालवा जो मैंने इधर बनाया था, गागरोन के शासक पहले में थे अचल दास खींची, दूसरे में थे अचल दास खींची के पुत्र पालन सिंह। पहले में जोर हुआ अचल दास खींची की वाइफ लाला मेवाड़ी के नेतृत्व, और अचल दास खींची के समय जो आक्रमण हुआ था अपने हुसैन शाह का, मालवा के शासक मांडू के शासक हुसैन शाह, उसकी जानकारी अपन को मिलती है अचल दास खिचड़ी वचनी का नामक ग्रंथ से, जो कि लिखा है किसने, वेरी गुड, शिव दास गार्डन, और गज गुण रूपक जो किसने लिखा आपने, केशव दास गार्डन, ऐसे है ना। ऐसी आप जैसे गज गुण रूपक है ना, गज गज मतलब लंबे लंबे, लंबा लंबा जो होता है ना, तो लंबे लंबे केश, तो गज गज लंबे लंबे केश, तो केशव दास गार्डन आ जाएगा, और शिव से याद रख लो अचल, अचल शिव, समझ गए। अब देखो ये थोड़ा सा याद कैसे होगा, सिस्टम कैसे बैठेगा। देखो हुसंग आ रहा है ना, हुसंग इसमें ये आ रहा है होश आ रहा है, और न आ रहा है ये, तो होश नहीं, होश नहीं होता है ना तो भैया चलो मत, अचल अचल हो जाओ, होश नहीं है तुमको तो अचल रहो, चलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। अब वो बात दूसरे की होश क्यों नहीं है उसमें डीप में मत जाओ, लेकिन होश नहीं है, कहने का मतलब एक कदम रख दिया तो अगला कदम मत रखो, तुम एक कदम रख दिया तो अगला कदम मत रखो, अचल रहो। कहने का मतलब एक कदम रख दिया तो फिर अगला कदम मत रखो, दो है ना, तो अगला कदम तीन वो मत रखो, तो 23 ऐसे आएगा 1423। हुसैन शाह होश नहीं है तो अचल हो जाओ, अचल चल नहीं अचल, अचल दास की थी ऐसे आ जाएगा। और फिर लाला मेवाड़ी तो नाम ही इतना सुंदर है, कोई जोर ही नहीं आ रहा याद करने, ठीक है। फिर आ रहे हैं आगे, क्या अगला, सर अगला ही बताओ ना, ऐसे क्लियर ऐसे क्या करते हो, बता रहा हूं यार, बता रहा हूं, थोड़ी सबर करो यार, दुनिया बनाने वाले ने तसली नाम की कोई चीज बनाई है, सबर करो थोड़ा यार, है ना। हाँ भी आ रहा, चलो तो क्या है, अगला आक्रमण हुआ 1444 में, ठीक है। शासक आक्रमणकारी कौन, महमूद खिलजी प्रथम, याद रखना है इसमें प्रथम और सेकंड भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो महमूद खिलजी जो है ना, खिलजी खिलजी को अपने कर दो खिलाना, खिलजी को क्या करना, अपने को खिलाना करना, खिलाते पालने में खिलाते कि नहीं होते, खिलाना खिलाना, ठीक है। और एक एक बच्चा नहीं हुआ, दो बच्चा नहीं हुआ, तीन तीन बच्चों को एक साथ खिला रही है माँ, और माँ खिला रही है इसलिए तो माँ एक नंबर है, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता, माँ की ममता का कोई ओड ही नहीं है, है कि नहीं है। तो तीन बच्चों को एक साथ खिला रही है माँ, खिलाना है ना, खिलाना खिला रही है माँ, खिला रही है ना माँ, माँ से क्या रहेगा प्रथम, याद रखना अपने को, और माँ ये महमूद खिलजी है ही, मैं से माँ, और प्रथम माँ खिला रही है ना, माँ खिला रही है अपने तीन बच्चों को, और किस में खिला रही है, बिल्कुल सही, ये तो पकड़ लिया आपने यार, पालना अपने पालना ही बोल दो, पालना 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 होता है ये, सो जा लल्ला लल्ला लोरी, मैं तो लल्ला लोरी गा रहा हूं, वो मत समझा ना आपने, क्योंकि वो हरियाणा में गोलियां चल रही मैं तो लल्ला लल्ला लोरिया ही गा रहा हूं, वो नहीं गा रहा, ठीक है। तो ये तो पालने में तीन बच्चों को माँ खिला रही है, एक चार 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 तीन हो गए, और माँ प्रथम है इसी कारण, चाहे माँ के तो एक संतान हो चाहे तीन हो, तीनों में प्यार वो ही रहता है, ठीक है। तीन भी हो गए हो तो क्या, पांच भी हो जाते तो माँ उसी प्यार से खिलाती पांचों को एक साथ,
किसमें? पाणले में, बहु मतो मुद्दे पे फोकस रहो थोड़ा ऐसे। तो 1444 में आक्रमण हुआ, आक्रमणी कौन, आक्रमणकारी कौन? महमूद खिलजी, प्रथम या आदित्य? अरे सर तीन बच्चे हैं तो प्रथम, मां प्रथम, ठीक है ऐसे। और उधर शासक कौन गागर उनका? पाणला। पालन से याद नहीं आए, कोई टेंशन नहीं है यार, पालना तो याद आ रहा है ना कम से कम ऐसे, ठीक है अपन को तो, मतलब क्वेश्चन सही करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, आंसर सामने है, पहचानना है कि नहीं। मेरे एक दोस्त, हम जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो मेरे दोस्त थे ठीक है ना, तो एक दिन उसके मतलब रूम पे थे, तो पिताजी आए उसके, किसान थे पिताजी, थोड़े बहुत लिटरेट भी है ना, तो आए वो एक दिन है ना, तो उसका कभी प्री पास नहीं होता था ठीक है। तो जैसे मेरे को बोले कि राकेश यार एक बार बताओ, जैसे प्री में तुम्हारा पेपर होता है, मतलब अंकल होता है, बोला यार उसके अंदर तो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, बोले होते हैं, आंसर भी सामने होता है, बोला होता है, तो बताओ यार ये सुनील के वो आंसर भी सामने होते हैं फिर भी पास नहीं कर पाते पेपर को, तो कितनी बड़ी बात थी यार। मैंने खुद उस दिन सोचता रह गया, उस दिन से लेकर आज तक देखो मैं बता रहा हूँ, और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ शायद ये 2006 या 2007 की बात है, देख लो आप कि राकेश यार आंसर सामने होता है फिर भी इसका प्री भी नहीं होता है कि नहीं है। मैंने भी देखा यार बात तो यार लाख टके की है, तो देख लो प्री भी नहीं निकलता जबकि उसमें आंसर सामने होता है, पहचानना भी तो देखो कला है कि नहीं है, देख लो पिताजी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आज करीबन कितने हो गए, 17 साल बाद भी वो बात बिल्कुल मेरे ऐसे है जैसे 2 सेकंड पहले सुनी, बात ही थी कह रही थी मैं क्या करूं, ऐसे आ गया ठीक है ना। तो आंसर सामने तो पहचान नहीं है, चाहे पालन हो चाहे पालन सी हो, बस पहचान लिया अपन ने तो उसमें क्या है। और माँ प्रथम, वो पूरी कहानी याद रखो, तीन बच्चे, माँ, माँ खिलाड़ी थी, खिलाड़ी से खिलजी, माँ से महमूद खिलजी, और माँ प्रथम, तीन बच्चों को एक साथ है कि नहीं, ऐसे इमेज बनानी पड़ेगी दिमाग में। आज तो सोए और सुबह याद कर रहे यार वो क्या था, साले साकेत थे तो सही यार, कौन से थे, छोड़ो ना यार अपने के है, कितों को छोड़ेगा मेरे लाल है कि नहीं, यहाँ तो सारे ऐसे हैं धुरंधर, अपना बनाओ छोड़ो नहीं। और अपने कैसे बनेंगे, ऐसे पालने में खिलाने से बनेंगे अपने तीन तीन को, तो ऐसे बना लो यार क्या, मैं तो दिखाई दिया रास्ता, फिर होश नहीं हो तुमको, तुमको क्या किसी को, मेरे कोई होश नहीं हो बाई चांस, तो सर अचल रहो, चलो मत अगला कदम मत रखो, वापस आ जाओ वापस आ जाओ अचल, क्योंकि होश नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, होशंग सर चक्कर आ गए, बहुत देर पड़ा जाए चक्कर आ गए, होश ही नहीं होशंग सा, तो सर मैं चलूंगा, चलो मत पीछे आ जाओ वापस, है 2 से 3 कदम मत उठाना वापस पीछे, अचल रहो सर, होश नहीं है ना, चक्कर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में आ जाए उसके बाद चलने लग जाए ऐसे। तो याद हो गए ना दोनों साके, कितने साके हो गए बताओ, जागरणपुर में कितने साके, 2 साके, पहला साका 1423, उस समय शासक आक्रमणी कौन, आक्रमणकारी कौन पहले था, हुसंग सा, और कौन कावरण का शासक, वेरी गुड अचलदास खींची, और दूसरा साका 1444 आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम, और यहाँ का शासक वेरी गुड पालने में जुला रहे पालन सी ऐसे, समझ गए। अरे तो ये माइक माइक का तार लगा हुआ था, वो भी मैं ही झूला, तो वो पालने की तरह झूलने लग गया पालन सी ऐसे, ठीक है ये चीज है। तो ऐसे है यार, कई बार क्या होता है जैसे मान लो ये अभी जैसे क्लास चलते रहे, तो भाई कई बार तो यूं ऐसे जैसे कई तो जैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं जैसे जो देख रहे हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में अपन ने ली हुई है, तो मतलब हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, बाहर जाके फिर वापस आके पढ़ने लगता था फिर वापस हंसी, कई बार हुए ऐसे 2-3 बार बाकी है। अब वो आप लोग हो ही इतने अच्छे कि तनाव आने ही नहीं देते है कि नहीं है, ऐसे तनाव का क्या काम है यार, मस्त रहो और पढ़ो, समझ गए। तो ये था अपने गागरों, तो 2 साके पढ़ लिए बिल्कुल अच्छे से याद हो गए ऐसे, मतलब ये मैं इस तरह से मैं बताता हूं ना, तो इसका मकसद ये बताना होता है आपको कि एक अल्टरनेट तरीका और है चीजों को अपना बनाने का, ये मकसद होता है मेरा, समझे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, दुर्ग के प्रमुख स्मारक देखते हैं, मंदिर देखते हैं, यहाँ पे मधुसूदन मंदिर, ठीक है मधुसूदन मंदिर कोटा के दुर्जन साल द्वारा निर्मित है, कोई खास नहीं। छतरी देखते हैं अपन किसकी, संत पीपा की छतरी, पीपा का गुफा टेडी गुफा टोडा राइसिंग मंदिर समुदड़ी बाड़मेर, समुदाय कौन सा फेमस दर्जी समुदाय में। दरगाह देखते हैं अपन किसकी, संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिनको अपन मीठे साके नाम से भी जानते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी, देखो मैंने लिखे काटावा क्योंकि इनकी कहां हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, अपने नागौर में।
फिर जयत्र सिंह के समय अमीरुद्दीन चिश्ती खुरासान से आके गागरौन बच गए थे, और खुरासान का अफगानिस्तान है। एटलस में देखना एक बार, यहाँ पे दरवाजा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार आया हुआ, बुलंद दरवाजा। एक बुलंद दरवाजा तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना, अकबर ने निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, फतेहपुर सीकरी के अलावा बुलंद दरवाजा, मतलब फतेहपुर सीकरी तो भाई अपने आगरा में है, तो फतेहपुर सीकरी के अलावा राजस्थान के किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा देखते हैं? गागरौन दुर्ग में। किसने निर्माण कराया? औरंगजेब, जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, ठीक है, तो याद रखना औरंगजेब। बुलंद है, बुलंद दरवाजे को जेब में रख लोगे क्या? संभव ही नहीं है, तो जेब से औरंगजेब, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ एक सजा स्थल है, पहाड़ी के ऊपर पूरी ऊंचाई पर स्थल है, उसको बोलते हैं गिद्ध कराई, है ना, गिद्ध कराई, गिद्ध, गिद्ध, तो गिद्ध कैसे याद रख लेना अपन को, वो गिद्ध जो नहीं होते गिद्ध, ठीक है, वही चील, काव 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 कै कैव, वो गिद्ध। तो ऊपर जैसे किसी को फांसी पर लटका दिया, फिर उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया चील के मुंह के लिए, तो वहां गिद्ध मंडराते रहते थे, इसलिए नाम है गिद्ध कराई, ठीक है, ऐसे याद रखना गिद्ध कराई। ऊंची पहाड़ी पर राजनीतिक बंदियों को सजा दी जाती थी, किसी को आंख फोड़ के जैसे पटक दिया, फिर किसी का हाथ पांव काट के पटक दिया, फिर वो गिद्ध खा के आके उसका पूरी जीवन लीला उसके समाप्त कर देते थे, तो इसलिए बोलते थे गिद्ध कराई। तो गैसे गागरौन और गैसे गिद्ध कराई, है ना, उसमें भावुक मत मत हो कि सर कहां, तो आप अभी 444 बता रहे थे, माँ लला लला लोरी पालन सी, और कहां ये गिद्ध कराई लिया है बीच में, है राजनीतिक बंदी, क्या हाथ पांव काट दिए आपने, गिद्ध कहां कहां मचा दी, अब मैं क्या करूं यार, है कि नहीं। औरंगजेब है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने वाला है, सब बुलंद दरवाजा, अब मैं क्या करूं, तो उसमें जब फैक्ट है तो है, तो मेरा काम तो बताने, मैं नहीं बताऊं और एग्जाम में आ जाए तो सर बताते ना आप, क्यों नहीं बताया हमें, मैं तो दोनों तरफ से मरा, है कि नहीं, लेकिन दोनों बता दी कि टेंशन नहीं है, अपना काम हो गया, ठीक है। तो ये सदा स्थल गीत गई, याद रखो भाई, श्रृंगार श्रृंगार चौरी देखा, तिलक के स्थान देखे श्रृंगार चौरी, अपन ने मेहरानगढ़, अपन ने आमिर दुर्ग के अंदर देखा, ठीक है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी तो अपने मेहरानगढ़ के अंदर, और वहां कदमी महल आमेर में, तो सजने के स्थान है तो सदा के स्थान भी है, गिद्ध गरई गागरौन, ऐसे याद रखो। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ आक्रंता और हुए, है ना, आक्रंता, आक्रंता जिन्होंने यहाँ पे हमले किए, कुछ आक्रंता जिन्होंने यहाँ पे हमले किए, कुछ आक्रंता जिन्होंने यहाँ पे हमले हुए यहाँ पे, है ना, जैसे गागरौन का युद्ध पढ़ते हैं अपन, गागरौन का युद्ध 1518 में, ठीक है, तो जैसे अपने खानवा का युद्ध तो क्लाइमेक्स था 1527 में, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं खातोली, गागरौन, है ना, खातोली और बयाना, ठीक है, मतलब खातोली 1517, फिर गागरौन 1518, ठीक है, बयाना ये 1519, ठीक है, और फिर इसके बाद अपन जैसे देखते हैं क्या, खानवा का युद्ध 1527, ऐसे है ना, सांगा के लड़े युद्ध है, खातोली कैसे, खातोली है खानवा नहीं है, खानवा तो वापस खा लिखो खानवा, और ये 1527 में, 1527, ठीक है, तो खातोली है, खातोली है, खातोली, खातोली, गागरौन और बयाना का युद्ध 1718-1719, खानवा 27, खान सांगा के लड़े हुए युद्ध है। तो 1518 में अपन देखते हैं गागरौन का युद्ध, मांडू के शासक महमूद खिलजी दित्य, है ना, को हराया था सांगा ने, ठीक है ना, आप यहाँ साइड में एक चीज लिख लो, वैसे तो मैंने लिखी होगी कहीं ना कहीं नीचे, चलो इसमें नहीं है तो आप लिख लो, मांडू के शासक है ना, यहाँ साइड में लिख लेना इसको, जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊं लिखा करो, मांडू का शासक एक है अपने महमूद, एम के मतलब महमूद खिलजी प्रथम, और दूसरा है महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है ना, मांडू के ये बहुत आता है क्वेश्चन, तो महमूद खिलजी प्रथम जो है ना वो तो कुंभा का समकालीन है, और महमूद खिलजी सेकंड जो है वो सांगा के समकालीन है, ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम को कुंभा ने हराया था सारंगपुर के युद्ध में, और चित्तौड़गढ़ में जो अपन देखते ना विजय स्तंभ विक्ट्री टावर उसका निर्माण किया था, ठीक है, और महमूद खिलजी दित्य जो देख रहे हैं अपन, ये महमूद खिलजी दित्य ये यहाँ जो आ रहा है ना, ये गागरौन के युद्ध में हरा है इसको, गागरौन, गागरौन का युद्ध 1518 में हराया है, ऐसे ये पूरा लिख लो, ये महमूद खिलजी प्रथम और सेकंड, प्रथम कुंभा के समकालीन है, दित्य सांगा के समकालीन है, ठीक है, 1437 में सारंगपुर के युद्ध में हराया था कुंभा को, कुंभा ने, मतलब कुंभा ने हराया कुंभा को हराया, ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, इधर भी मीनार बनी और उधर भी मीनार बनी, दोनों में, मालवा में बनी और चित्तौड़ में बनी, अपने बोलते हैं ये जीते, उधर के बोलते हैं वो जीते, खैर मतलब नहीं अपने को, ठीक है ना, तो ये चीज है, तो अब देख लिया महमूद खिलजी द्वितीय है ना, और फिर क्या है, ये महमूद खिलजी प्रथम है ना, ये वही है माँ, माँ तीन बच्चों को जो ला रही है, तो वो 1444 था ऐसे, विजय स्तंभ अपन देखते हैं 1448 में बना, तो मैच हो रहा है ना, देखो
1444 में पहले मारकाट मचा गए और फिर सांगा से मतलब कुंभा से फिर टकराव हुआ महमूद खिलजी प्रथम का और फिर दिक्कत हुई ऐसे। हालांकि कुंभा से टकराव महमूद खिलजी का तो पहले हो गया था 1437 में सारंगपुर के युद्ध में, तो उसमें तो कुंभा ने बहुत बुरा हराया था इनको, तभी तो कुंभा ने टावर बनाया। और फिर वो बल्ला निकालने के लिए 7 साल बाद महमूद खिलजी, मतलब बल्ला मतलब कि जो कुंभा ने हरा दिया था उस हार का बल्ला लेने के लिए थोड़े लघु शासक को हराया, कौन अचलदास खिलजी को, किसने, महमूद खिलजी प्रथम ने 1430 है ना, मतलब 1423 पहले, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, 1423 तो पहले है, 1423 में पहले हराया महमूद खिलजी प्रथम को, यहां तो मत करो, जिसमें मतलब अपने गागरौन का पहला जो हो गया, लेकिन उस समय शासक कौन, हुसैन शाह, ठीक है। और 1444 यहां देख रहे हैं, 1444 में ये जो अपन देख रहे हैं, 1444 में द्वितीय शाखा हुआ और द्वितीय शाखा के समय गागरौन के शासक तो थे कौन थे, पालन सिंह, और आक्रमणी कौन कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। तो प्रथम ये आ रहा है ना यहाँ पे, ये प्रथम महमूद खिलजी प्रथम कुंभा का समकालीन ऐसे। तो कुंभा ने हराया 1437 में और फिर 1444 में ये इधर आए, पहले कुंभा से हारे 37 के अंदर और 44 के अंदर फिर आके महमूद खिलजी प्रथम ने कहा मारकाट मचाई गागरौन में, पालन सिंह को मार दिया अचलदास खिलजी के पुत्र को, महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी द्वितीय सांगा का समकालीन। तो जब भी महमूद खिलजी प्रथम और द्वितीय आए ना, महमूद खिलजी का नाम आए तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस होना है, क्योंकि एग्जामिनर की पसंद यही होती है, पूछता है एग्जामिनर, कुंभा ने विजय स्तंभ मनाया मालवा के किस शासक को हराने के उपलक्ष में, बिड़ते ही लिखा रहता है महमूद खिलजी द्वितीय और फिर लिखा रहता है डी में महमूद खिलजी प्रथम, तो स्टूडेंट से महमूद खिलजी देखता है, वो देखता है ए में आ रहा तो यही होगा सही, महमूद खिलजी प्रथम डी, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। राणा सांगा ने खातोली के युद्ध में, सॉरी गागरौन के युद्ध 1518 में निम्न में से किस मालवा के शासक को हराया था, बिड़ते लिखा रहता है महमूद खिलजी प्रथम। बहुत कम बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये महमूद खिलजी का फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं, देख लेना अगर आप खोल के चित्तौड़गढ़ देखो, विजय स्तंभ तो वहां लिखा रहा है कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया, है कि नहीं, गागरौन का युद्ध सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया। अब उनको ही नहीं पता होता ये फर्स्ट है या सेकंड है, आपको कैसे पता, भैया टाइम देना पड़ता है, गहरा गोता लगाना पड़ता है, तब पता लगता है, यूं समझ गए। खैर आपको से मतलब नहीं है, आप तो क्या करो आम खाओ जो दिख रहा सामने उसको याद करो आप। तो सांगा के समकालीन महमूद खिलजी द्वितीय, कारण क्या था कि मेदनी राय कौन था, ये चंदेरी का एक बासिंदा था, सेनापति था, जो महमूद खिलजी का दुश्मन था। महमूद खिलजी ने उसको बोला था कि मैं तेरे को क्या फांसी पे लटकाऊंगा, गीत करी तो भेजूंगा नहीं, गीत करी तो झालावाड़ के पास था ना, फांसी पे लटकाऊंगा। तो फिर डर के ये जो था कौन, मेदनी रॉय, वो कहां आ गया, किसने इसको शरण दे दी, सांगा ने शरण दे दी, ये सांगा द्वारा शरण ऐसे है, समझ गए। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर यहां क्यों बता रहे सर सांगा आ रही है मालू, क्योंकि गागरौन का युद्ध है, तो गागरौन के युद्ध में फिर भाई उधर से तो आए सांगा मालवा की तरफ से, और इधर नीचे से मालवा से निकल के आ रहे हैं कौन, अपने महमूद खिलजी द्वितीय, और युद्ध हुआ दोनों के बीच में कहां, गागरौन, घर में तो किसी के नहीं लड़े ना, ना सांगा का घर था ना अपने महमूद खिलजी सेकंड का घर था, घर तो गागरौन था अलग ही, 1400 मतलब ये बात है 1518 की, ठीक है ऐसे है। तो कारण क्या बन गया था, मेदनी रॉय, तो मेदनी रॉय को शरण दी सांगा ने, इसलिए फिर हमला हुआ। फिर अपन देखते हैं गुजरात के शासक 1532 में बहादुर शाह, तो 1532 आ रहा ना, 1527 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई है, बहादुर शाह वही है कौन, चित्तौड़गढ़ में अपन द्वितीय शाखा पढ़ते हैं, ये वही बहादुर शाह 1534 बिल्कुल, जिसके विरुद्ध सहायता के लिए क्या कर्णावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, ये वही बहादुर शाह, समझ गए। फिर शेरशाह सूरी ने 1540 में अधिकार किया, विजय सूरी का टाइम पीरियड 1540 से 1545 है, ठीक है शेरशाह सूरी। फिर अकबर का अपन देखते हैं, अकबर के समय यह इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पैसे शासक आएंगे कौन, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखो, अकबर ने क्या 1567 में चित्तौड़गढ़ का अपन द्वितीय शाखा पढ़ते हैं, 1303 तीसरा शाखा चित्तौड़गढ़, 1303 में पहला, 1534 में दूसरा, और 1567 में तीसरा, तीन शाखे हुए, मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ में 1567 डिजिट उल्टे कर देंगे है ना, तो 67 में तो तीसरा व अंतिम शाखा है, और 76 के अंदर क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण से पूर्व अकबर कहां रुका था, यहां आके ठहरा था, मतलब गागरौन दुर्ग में पहले स्ट्रेटेजी बनाई है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो
अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1303 में जीता इसको, जेत्र सिंह के समय जीतने का प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1303 में कहां गया, चित्तौड़ गया। ऐसी अकबर की 1564 में जब हमला करना था 1567 में चित्तौड़ में, तो पहले कहां रुका, गागरौन। तो ये चीजें इन्होंने कहां से सीखी थी, अलाउद्दीन खिलजी से। सीखा कौन रहा, अलाउद्दीन खिलजी की जीते कौन बता रहा है कि हमने ऐसे से किया था, अमीर खुसरो। किस ग्रंथ में, खजान फुतू में। तो पढ़ा अकबर ने, अमीर खुसरो ने पढ़ा, अमीर खुसरो ने अकबर को बताया पहले गागरौन में जाकर रुको, देखो स्थिति क्या है, और गागरौन में पहले अपने अनुकूल वातावरण करो, उसके बाद हमला आगे करो। क्योंकि गागरौन में पहले भी मेवाड़ के शासक आके लड़े, जैसे सांगा आके लड़ा है कि नहीं है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड। तो गागरौन से वाच करो मेवाड़ में स्थिति क्या है, यह अलाउद्दीन खिलजी को पता था, अकबर को पता था। तो 1567 में आक्रमण करने से पूर्व चित्तौड़ में कहां रुका अकबर, गागरौन। यह स्थिति महत्वपूर्ण है, सामरिक महत्व, समझ में आया ना। फिर अकबर ने, क्योंकि गागरौन इंपॉर्टेंट था है ना, बीच में मेवाड़ के नजदीक इंपॉर्टेंट स्टेशन, वहां पे गागरौन में जागीर, गागरौन की जागीर किसको दे दी, पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी, जो ऊपर आया था पैसे, है ना। पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं पृथ्वीराज बीकानेरी, है ना। राठौड़ जैसे अपने देखे जोधपुर नागौर बीकानेर, है ना, जोधपुर बीकानेर नागौर राठौड़, समस्त नागौर राठौड़ कुलदेवी अपने देखा था नागनीची माता, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ और पृथ्वीराज बीकानेरी भी इसको बोलो, है ना, बीकानेर के थे। और ये पित्थल नाम से, मतलब पाथर पित्थल जो अपन देखते हैं कनलाल सेठ है, उसमें जो पित्थल है वो पृथ्वीराज राठौड़ी पित्थल है ना, ये पित्थल काव्य की रचना करें पित्थल नाम से, ठीक है। राय सिंह बीकानेरी, है ना, राय सिंह बीकानेरी राठौड़ जो थे उसके ये भाई थे, इसको जागीर में दिया अकबर ने क्या, गागरौन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अकबर ने गागरौन दुर्ग निम्न में से किस राठौड़ शासक को जागीर में दिया था, तो किसको दिया, राय सिंह बीकानेरी के भाई पृथ्वीराज राठौड़ को, है ना। तो पृथ्वीराज मत लगाओ इसमें ना, क्योंकि पृथ्वीराज लगाने में वो पृथ्वीराज चौहान है, ये क्या है, क्या है, पृथ्वी है तो ये भी पृथ्वीराज राठौड़ी है ना। तो मैं ये कह रहा था पृथ्वी सिंह मत लगाओ, क्योंकि पृथ्वी सिंह लगाने से वो प्रताप सिंह हो जाएगा, है ना। प्रताप सिंह कौन, प्रताप सिंह किसी कौन, पीपा। तो यहाँ पे राज ही लगाना है अपन को, पृथ्वीराज चौहान हुए एक तो गौरी तराइन प्रथम और द्वितीय, और ये पृथ्वीराज कौन से है, राठौड़ है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और दिनरात का अंतर है, चौहान तो क्या गौरी से लड़े संप्रभुता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, और पृथ्वीराज राठौड़ तो फट सरेंडर हो गए थे। और फिर एक जो अपन कहते हैं ना कि अकबर ने तो बस ठीक है, एक जो देशभक्ति स्वामी भक्ति दिखा रहे हो अकबर के प्रति, इसलिए अकबर ने जागीर दी थी इनको तो दान में, पृथ्वीराज राठौड़ को। ऐसे तो नाम सेम करने से कुछ नहीं हो जाता, शौर्य भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना शौर्य दिखाया काव्य में पित्थल ऐसे। और फिर कालजयी ग्रंथ लिखा क्या, वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है, जो वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, अकबर ने गागरौन की जागीर किसको दी, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, और बीकानेर के राय सिंह बीकानेर के भाई थे, पुत्र नहीं था, भाई था, याद रखना, ठीक है। फिर अबुल फजल ने जो है, अबुल फजल ने किताब लिखी आईने अकबरी, जिसको अकबर की बायोग्राफी बोलते हैं, उसमें गागरौन दुर्ग को है ना मालवा सूबे की सरकार या जिला बताया, सरकार का मतलब जिला मुगल काल में, ठीक है, जैसे 17 सूबे ऐसे 17, फिर 19, 20, 21 ऐसे मुगल काल में लास्ट में 21 सूबे थे, 20 या 21 सूबे, ठीक है ना। तो मालवा सूबे का हिस्सा बना, अब देखो मालवा के नजदीक था गागरौन, और माल इसके ऊपर जो भी आक्रमण हुए गागरौन पे, दोनों मालवा के शासकों के हुए, चाहे वो हुसैन शाह हो चाहे महमूद खिलजी प्रथम हो, 1423-1444, ठीक है। तो अबुल फजल ने गागरौन को किस सूबे का हिस्सा बताया था, मालवा सूबे का, ठीक है ना, मतलब अकबर के अधीन था मालवा सूबा, तो मालवा सूबे का हिस्सा बताया गागरौन को। फिर अपन पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में देखते हैं, ये डिंगल का हिरास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिंगल, डिंगल एंड पिंगल तो भाषाएं हैं साहित्य में अपन पढ़ते हैं, डिंगल एंड पिंगल, ठीक है। तो डिंगल का हिरास एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन स्कॉलर हुआ है, ठीक है। एल्पी टिसिटोरी, ये इटली के बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाषाविद हुई, ठीक है। डिंगल का हिरास एल्पी टिसिटोरी द्वारा इनको कहा गया है, किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। ग्रंथ इन्होंने यहाँ ड्रेस लगाओ, ग्रंथ इन्होंने लिखा बेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है ना, बेली कृष्ण रुक्मणी जो वी के आर ऊपर लिखा हुआ था, वेली कृष्ण रुक्मणी यही रची गई। तो पूछते हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली, ऐसे आता है क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के निवासी थे, ठीक है ना, राय बीकानेर सिंह ने बीकानेरी के भाई थे, उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना कहाँ की, बिरती लिखा ना बीकानेर। तो बोलते हैं यार जब यार बीकानेर का, तो बीकानेर में रचेगा, गागरौन में क्या लेने जाएगा, अरे लेने जाए अकबर ने बैठाया था वहां तो सीट पर, ऐसे तो वहां रची वेली कृष्ण रुक्मणी का अपने गागरौन दुर्ग में। शैली क्या है, डिंगल, तो डिंगल का हिरास इसलिए तो बोलते हैं। और दुर्सा आड़ा ने इस वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद बोला है, भाई चार वेद तो ऋषा जानते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद,
चार वेद तो है ना, आर वाई एस ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, इसी क्रम में बोला करो वेदों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट है, रीसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ठीक है। और 19वां पुराण बोला, 18 पुराण तो प्रमाणिक है, और 19वां पुराण कौन है, दुर्सा, मतलब अपने वेलुकिस रुक्मणि, किसने बोला है, दुर्सा ने, तो दूसरे बना दिए ना भाई, वेदों का दूसरा सप्लीमेंट बना दिया, पुराणों का दूसरा सप्लीमेंट बना दिया, किसने, दुर्सा ने। तो एक सप्लीमेंट तो वेदों का, तो हम ये चार वेद जानते हैं, पुराणों का 18 पुराण जानते हैं प्रमाणिक, लेकिन दूसरा वर्जन बना दिया, पांचवा वेद और 19वां पुराण, किसने, दुर्सा ने, किसको, वेली कृष्ण रुक्मणि, समझ गए, ऐसे था ये पृथ्वीराज राठौर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जहांगीर के समय क्या हुआ, जहांगीर ने यहां रतनहाड़ा बूंदी को जहांगीर में रतनहाड़ा को दिया, औरंगजेब, औरंगजेब का सबसे इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा बनाया यहां पे, ठीक है। फिर यहां एक रैन बसेरा है, मतलब था कास्ट का रैन बसेरा था, लकड़ी का था, कास्ट में लकड़ी का, जो आग में जल के क्या हो गया, ओम नमः शिवाय राख हो गया। फिर यहाँ गागरोन में है ना तोता, तोते मिलते हैं कुछ, अब तो विलुप्त हो गए, पहले गागरोनी तोता बहुत ज्यादा फेमस था, किस जासूसी तोता है ना, गागरोन जासूसी, जासूसी के लिए जाना जाता, उधर से देखे आया और फिर आपको बोल के सुनाएगा, किस प्रजाति का था ये, अलेक्जेंड्रिया पेरिकिट प्रजाति का था, और जो चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी थी उनके पास भी यही तोता था, ठीक है। रानी पद्मनी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का हीरामणि तोता भी इसी प्रजाति का था, और ये तोता ही ले बैठा था रानी पद्मनी को, कहानी सुनाई है मैंने, ठीक है। मनुष्य की आवाज हुबहू, मनुष्य की आवाज की हुबहू नकल करता था, उधर से सुनियाता था और इधर आके बताता था। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली द्वारा उल्लेख किया गया, सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सलीम अली बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपने तमिलनाडु के अंदर, बहुत फेमस है। पूछते हैं डॉक्टर सलीम अली बर्ड रिसर्च पक्षी शोध संस्थान कहाँ है, तमिलनाडु। इनकी पुस्तक है बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स, और इंस्टीट्यूट बताया मैंने सलीम अली पक्षी विहार तमिलनाडु, याद रखो, ठीक है ना। ऐसे तो ये अपने को किसके बारे में, तोता, गागरोनी तोता, तो जानी पद्मनी जब पढ़ते हैं तो गागरोनी तोता आता है सीन में, ठीक है ना। ऐसे तो गागरोनी तोता, ठीक है ना, किस प्रजाति, अलेक्जेंड्रिया पेरिकिट, किसके पास था, रानी पद्मनी के पास था। ऐसे मनुष्य की आवाज की हुबहू निकालने के लिए जाना जाता और जासूसी के रूप में काम आता था, आज तो विलुप्त है, समझ गए। सलीम अली ने भी इसका वर्णन किया इस तोते, ओके। ये ऐसे था अपने गागरोन दुर्ग के बारे में चीजें। फिर झालावाड़ में दो मिनी दुर्ग और है, एक तो है मनोहर थाना दुर्ग, पहले झालावाड़ में ना लोकेशन देखो, मनोहर थाने की कहां, बिल्कुल पूरब में है अपने बारा की तरफ, मनोहर थाना दुर्ग, ये भी जलदुर्ग का एग्जाम्पल है, लेकिन जलदुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, आपने गागरोन दुर्ग जो अभी देखा, ये है परवन और काली खाड, काली सिंध नहीं है, परवन और काली खाड नदियों के संगम पर है कौन, मनोहर थाना दुर्ग, बिल्कुल झालावाड़ के पूरब में, जैसे यूं अपन ऐसे झालावाड़ देख, ऐसे नहीं है झालावाड़, ऐसे देखते ना अपन यूं झालावाड़, तो झालावाड़ में बिल्कुल इधर है मनोहर थाना, ठीक है। तो परवन नदी, उसकी सहायक नदी काली खाड, काली सिंध नहीं वहां, तो जैसे ये फोटो दिखा रखी है मैंने, इस फोटो में देखो ये इधर है, इसको तो, इसको थोड़ा अपन जूम करें, ये देखो ये, तो देखो ये जो है ना, ये तो परवन नदी है, और ये इधर से जो आ रही है ये काली खाड नदी है, काली खाड, और यहां पे मनोहर थाना दुर्ग, ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है। ये है ना काली खाड नदी होकर, फिर नेक्स्ट अपन देखें, ठीक है। फिर इसका निर्माता कौन, अपने भीम सिंह है ना, कोटा के शासक थे भीम सिंह, तो हम बता दो झालावाड़ का जो था मेन कोटा से लेना देना है, तो बाद में अलग हुए हैं, ठीक है। यूं है भीम सिंह कोटा शासक, ये निर्माण किया मनोहर सिंह है ना, मनोहर थाना दुर्ग, परवन, कालीकोट, भीम। फिर एक दुर्ग अपन और यहां देखते हैं, नवलखा दुर्ग, नवलखा, ठीक है, नवलखा दुर्ग। अब क्या नवलखा से क्या है, पहले जान लो नवलखा दुर्ग है का, ये क्वेश्चन है, ये नवलखा दुर्ग है ना, दुर्ग की बात है, नवलखा दरवाजा जो है, ठीक है ना, तो अपन सीट पढ़ेंगे उसमें, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है, दुर्ग यहाँ है, बुर्ज चित्तौड़ दुर्ग में है, मंदिर जो है नवलखा मंदिर उदयपुर में है, नवलखा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में, इनको लिख लेना एक बार साइड में, जो मैंने बताया दरवाजा रणथंभौर, दुर्ग झालावाड़ जो अपन देख रहे हैं अभी, बुर्ज चित्तौड़गढ़ में, महल उदयपुर में, बावड़ी डूंगरपुर में, ऐसे है। तो झालावाड़ में नवलखा दुर्ग अपन देख रहे हैं, झालारापाटन झालावाड़ के अंदर, और निर्माण किसने किया था, झाला पृथ्वी सिंह ने, है ना। ये पोप कौन, ये पृथ्वी राज राठौड़ नहीं है, पृथ्वी राज राठौड़ तो ऊपर गए अकबर के समकालीन, वेलुकिस्ट रुक्मणि, ठीक है ना, और ये पृथ्वी सिंह है, ये प्रताप सिंह नहीं है, प्रताप सिंह खींची तो ऊपर गए संत पीपा, ये क्या है, ये पृथ्वी सिंह है ना, देखो दोनों का तुलना आ रही है, पृथ्वी तो पृथ्वी राज राठौड़ का ले लिया पृथ्वी, और सिंह किसका ले लिया, प्रताप सिंह खींची का, ऐसे याद रखो।
1860 के अंदर निर्माण कराया नवलखा दुर्ग का। कौन? पृथ्वी सिंह। अब झालावाड़ की थे तो झाला जालिम सिंह खींच नहीं रहे, फिर वो झाला वंश आ गए ऐसे, तो झाला जालिम सिंह। ठीक है, ऐसे अपन को याद में रखना है ये पूरा। समझ गए? समझ ला ये चीज है। अच्छा था टॉपिक तो, है ना, मजा आया। कहाँ आ गए? तो जालोर आ गया। अब देखो एक बार छोटा सा रिवीजन कराया था, इसका रिवीजन देख लो तो जाना अच्छा है क्या है। देखो गागरन दुर्ग अपन जैसे देखें तो, अब याद करो, देखो बीजल बीजल डोड से हराया, मतलब ये तो संस्थापक था, इसको हराया देवन दारू खिची ने जीता। जयत्र सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, सफल रहा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिर फोकस था चित्तौड़ पर चला गया वहां, और मीठे शाह खुरासान से आगे बस गए। यहाँ कौन? हमीदुद्दीन चिश्ती। प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची के समय फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ, और पीपा यहाँ आके पीपा ने पीपा के रूप में कन्वर्ट हो गए संत के रूप में, रामानंदी बन गए और सिंहासन त्याग दिया अचलदास अपने छोटे भाई के हित में। और यहाँ पे हुसैन शाह का उस समय फिर आक्रमण हुआ 1423 में। पालन सिंह महमूद खिलजी प्रथम का द्वितीय शाह 1444 में। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का समकालीन, और उसने ग्रंथ लिखी वेली की सुरखमणी। यहाँ थोड़ा सा बता दो ऐसे देख लो प्रकार, ये देखो अन्य नाम क्या देखते हैं अपन, डोड़गढ़ और धूलगढ़। प्रकार क्या है? जलदुर्ग है। औदक, औदक क्या है? औदक। नदियां कौन सी है? आहू और काली सिंध। नदियों का संगम स्थल सामेल जी। पहाड़ी कौन सी है? मुकुंद्रा पहाड़ी। नीव बिना नीव का है क्योंकि पहाड़ी पे है। निर्माता कौन? बीजल डोड़ परमार। नामकरण कैसे? बीजल डोड़ परमार से जीता किसने? देवल सिंह धारू ने, देवल सिंह खींची ने या धारू सिंह खींची ने, धारू खींची। परकोटा तेरा परकोटा है, झाला जालिम सिंह द्वारा बनाया गया। खींची राजा कौन कौन? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद तीन प आएंगे, एक प तो है कौन सा? पृथ्वी सिंह, सॉरी प्रताप सिंह खींची। पहला तो प्रताप सिंह खींची, दूसरा प पीपा का आएगा, है ना, प्रताप सिंह खींची का पीपा, और तीसरा प आएगा पृथ्वीराज राठौड़ का, और लास्ट पर अपन नवलखा बुर्ज के रूप में वो देख लो वो क्या है, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह झाला पृथ्वी सिंह है ना। तो खींची शासक आगे जयत्र सिंह के समय देखते हैं आक्रमण हुआ किसका? अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में, लेकिन वो ऐसे पड़ रहा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसके समय कौन बस गए आके यहाँ जयत सिंह के समय? बिल्कुल हमीदुद्दीन चिश्ती, मीठे शाह के नाम से जाने जाते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है। प्रताप सिंह खींची, संत पीपा, आक्रमण हुआ इनके समय फिरोज शाह तुगलक का, और ये बन गए संत रामानंदी संत पीपा के नाम से। ठीक है, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। छतरी अपन देखते हैं गागरोण में, गुफा देखते हैं टोडराय सिंह में, मंदिर देखते हैं समदड़ी बाड़मेर में, मसूरिया जोधपुर में भी एक मंदिर। सामरिक महत्व क्या था कि मेड़ता से मालवा के, सॉरी मेवाड़ के नजदीक था, मेड़ता तो कहाँ जाएगा, जोधपुर में मेड़ता तो नागौर, मतलब मालवा के नजदीक था, मेवाड़ के, सॉरी मेवाड़ के नजदीक था, गुजरात के नजदीक था, मालवा के नजदीक था, और हाड़ौती में तो था, ये इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व। साके हुए दो, पहला हुआ 1423 में, आक्रमणकारी था हुसैन शाह, शासक था गागरोन का अचलदास, और जो जोहर हुआ जिसके नेतृत्व में वो थी लाला मेवाड़ी, ठीक है ना, जो मोकल की तो पुत्री थी और कुंभा की बहन थी। साके की प्रथम साके की जानकारी मिलती है अचलदास खिचड़ी वचनी का, जो लिखा शिवदास गार्डन ने, और गजगुण रूपक नामक ग्रंथ जो लिखा केशवदास गार्डन ने। फिर दूसरा साका हुआ 1444 में, 1444 में, आक्रमणकारी कौन था? वेरी गुड, महमूद, मालवा मांडू का शासक महमूद खिलजी प्रथम, ओके, और इस समय गागरोन के शासक थे अचलदास खिचड़ी के पुत्र पालन सिंह, पालन सिंह की युद्ध में मृत्यु होती। फिर क्या है, ये चल रहा है, हाँ वही चल रहा है। फिर क्या है, दुर्ग प्रमुख स्मारक मंदिर, मधुसूदन मंदिर, छतरी, संत पीपा की छतरी, छतरी समाधि, दरगाह जो अपन देखते हैं वो हमीदुद्दीन चिश्ती, नागौरी नहीं चिश्ती। अब देखो इतना बता रहा हूं ना मैं, चिश्ती है चिश्ती है चिश्ती है, फिर भी नागौरी करके आएंगे, ध्यान रखो, है ना। दरवाजा बुलंद दरवाजा औरंगजेब, सजा स्थल गीत कराई ऊंचाई पे राजनीति की थी। आक्रंता कौन? गागरोन का युद्ध 1518 में सांगा ने हराया किसको? महमूद खिलजी। अब सांगा बोला तो क्या आएगा, प्रथम आदित्य आएगा, मुझे बताओ सांगा ने किस मालवा के शासक को हराया जिसका महमूद खिलजी प्रथम आदित्य, वेरी गुड आदित्य प्रथम कुंभा के समकालीन है। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1532 है ना, 1532। फिर शेर शाह सूरी 1540, अकबर, अकबर ने 1567 के अंदर जब आक्रमण किया यहाँ चित्तौड़ के ऊपर, तो उससे पहले गागरोन दुर्ग के अंदर रुका, और यहाँ का शासक किसको बनाया? राय बीका सिंह नेरी, राय बीकानेरी जो बीकानेर के शासक थे उनके भाई पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ जिसको डिंगल का हिराज का एलपी टिसिटोरी ने, ठीक है, पिथल नाम से कविताएं लिख देते, पाथल नहीं,
पाथल महाराणा प्रताप है, पीतल ही है, पीतल है ना, पाथल एंड पीतल किताब लिखी कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। तो इसको डिंगल का हिरास बोला है, डिंगल का हिरास पूछते हैं किसने बोला है, मतलब किसको बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, ज्यादा पूछते हैं तो किसको बोला, पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने, एल पी टिचिटोरी ने, इडली के भाषाविद ने। किस किताब के लिए, वेली किस रुक्मणी के लिए, और वेली किस रुक्मणी को पांचवा वेद या 19वां पुराण किसने कहा है, दूसरा एडिशन किसने बना दिया, ये दुर्साहड़ा ने, ठीक है। ऐसे डिंगल का हिरास, जहांगीर, जहांगीर के समय क्या था, बोलिया, हाँ रतन 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 आड़ा कोटा के शासक, उनको जागीरी मिला। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, रेन बसेरा, कास्ट का रेन बसेरा जो कि राग, राग में चल के राग होगा, तोता गागरोनी तोता, अपने अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया पेरीकिट, पेरीकिटा नामक प्रजाति का जासूसी के लिए जाना जाता, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के पास ये था। झालावाड़ में अन्य दुर्ग, मनोहर दुर्ग देखा, स्थिति क्या आपने, अपने पार्वत पर्वन और पार्वती नहीं, पार्वती तो बॉर्डर बनाती है, पार्वती तो और आगे 12 में से निकलती है पार्वती तो, ठीक है। पर्वन और काली खोड नदियों के संगम पर प्रकार जलदुर्ग, स्थिति तो क्या, मनोहर था ना अपने झालावाड़, नदियां ये हो गई, पर्वन, पर्वन और काली खोड, पार्वती नहीं है, पार्वती नदी एक बार एटलस में देखना आपका, राजस्थान और एमपी में बॉर्डर बनाती है पार्वती तो, 12 के थोड़ा से बीच में नीचे निकलती हुई और फिर एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, आगे फिर चंबल बनाती है, पार्वती चंबल में जाके मिल जाती है। निर्माता कौन थे इसका, मतलब कौन सा पढ़ रहे हैं, मनोहर थाना दुर्ग, निर्माता भीम सिंह। झालावाड़ में दूसरा दुर्ग देखा, नवलखा दुर्ग, स्थिति क्या आपने, वही झालापाटन झालावाड़, और निर्माता कौन, पृथ्वी सिंह राठौड़, 1860 में, समझ गए। तो ऐसे था ये अपने गागरोन, मतलब झालावाड़ के दुर्ग, जो आपको ध्यान रखना है, ओके। शॉर्ट एंड स्वीट था, कुछ ऐसा खास था नहीं इतना ज्यादा। नेक्स्ट अपन देखेंगे झुंझुनू, ओके, यू है, तो ऐसे इसको देख लो, नेक्स्ट फाइल में हम देखते हैं। झुंझुनू क्वेश्चन सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ओके।